चित्रकूट में रमी रहे रही मने अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश। सुरतिये नरतिये नागतिये जस चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को अभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल है ना, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादी, ये सारे चीज़ पढ़ाए। इसके बाद मैंने नाटक पढ़ाया था। नाटक के बाद आज इस उपन्यास बताएंगे कुछ, जिसमें आपके उपन्यासों में से एक उपन्यास अगर आएगा तो ज़रूर इसमें से फंसेगा। आप इसको ज़रूर दोहराइए, क्योंकि 100% जो है उपन्यास इसी में से फंसेगा अगर आप इसको दोहरा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। उपन्यास का विकास आज उपन्यास पढ़ाएंगे। नंबर एक पर आता है हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी उपन्यासकार में आप जानते हैं हिंदी उपन्यास का विकास, और हिंदी उपन्यास के विकास में प्रथम उपन्यास का आपका जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आता है इन्होंने किसको माना, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास की रचना है। दूसरा है सिद्धाराम फुलौरी, भागवती 1877 ईस्वी में लिखा गया है। सिद्धाराम फुलौरी द्वारा रचना है भागवती, 1877 ईस्वी में लिखा गया है। अगला पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट। तीसरे नंबर पर आते हैं बालकृष्ण भट्ट आप जानते हैं, एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट का है एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा। अब आप लोग जानते हैं कि हिंदी उपन्यास का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके है ना लाला श्रीनिवास दास की रचना है, 1882 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है सिद्धाराम फुलौरी, भागवती को मानते हैं, 1877 ईस्वी में सिद्धाराम फुलौरी की रचना है भागवती। बालकृष्ण भट्ट एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा, एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी
रहस्य कथा। और आप जानते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1882 में, है ना। सिद्धाराम फुलौरी आपका भागवती 1877 में, बालकृष्ण भट्ट एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा, एक अजान सौ सुजान नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा, तो आपका बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं, आप इसको देख लीजिए। चौथा पॉइंट है ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं हैं श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न आप जानते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, पांचवें नंबर पर है श्री राधा कृष्ण दास, श्री राधा कृष्ण दास, श्री राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। श्री राधा कृष्ण का है निस्सहाय हिंदू, 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1890 में, और 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। श्यामा स्वप्न का है जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास का है निस्सहाय हिंदू। इसके बाद छठवें नंबर पर आते हैं, छठवें नंबर पर लज्जा राम मेहता, लज्जा राम मेहता। लज्जा राम मेहता का जो रचना है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, बिगड़े का सुधार, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, आदर्श दंपति, सती सुखदेवी, सती सुखदेवी, आदर्श दंपति, सती सुखदेवी। लज्जा राम मेहता, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, सती सुखदेवी। इसके बाद सातवें नंबर पर आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न, राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू, लज्जा राम मेहता धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, सती सुखदेवी। इसके बाद आते हैं किशोरी, श्री किशोरी लाल गोस्वामी, पहले आप देख लीजिए ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है श्यामा स्वप्न किसने लिखा है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह।
श्यामा स्वप्न, श्री राधा कृष्णदास निस्सहाय हिंदू, ये भी आता है, एक एक रचना है इनकी, उपन्यास है। लज्जा राम मेहता, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार। स्वतंत्र रमा लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये बहुत आता है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, और बिगड़े का सुधार ये भी इम्पोर्टेंट है। आदर्श दंपति सती सुखदेवी, उपन्यास का अर्थ ही होता है उपधन्यास, यानी जो आपके समीप रचना हुई हो उसे कहते हैं उपन्यास। उप माने समीप, है ना, न्यास माने रचना, जो आपके नज़दीक रचना हुई हो, जो आपके पास में हो, वो उपन्यास होता है। उपन्यास आप जानते रहे, उपन्यास जो है ये महाकाव्य की तरह होता है, इसमें कई सर्ग होते हैं, कई नायक, इसमें एक नायक होता है, एक नायिका होते हैं, बाकी और इसमें सहनायक होते हैं, है ना, और ये बड़ा होता है उपन्यास। चलिए देख लीजिए, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न, राधा कृष्णदास निस्सहाय हिंदू, लज्जा राम मेहता, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति सती सुखदेवी। सातवां, श्री किशोरी लाल, गोस्वामी, श्री किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है आप जानते रहे, त्रिवेणी, लीलावती, त्रिवेणी लीलावती इनकी रचना है, आदर्श सती कुसुम कुमारी, आदर्श सती कुसुम कुमारी, लवंग लता, ये बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, इनके इनके उपन्यास एक जरूर आते हैं, त्रिवेणी लीलावती आदर्श सती कुसुम कुमारी लवंग लवंग लता, लखनऊ की कब्र, लखनऊ की कब्र, जिंदे की लाश, लखनऊ की कब्र, जिंदे की लाश, आप जानते रहे, त्रिवेणी लीलावती आदर्श सती कुसुम कुमारी लवंग लता, लखनऊ की कब्र, जिंदे की लाश, अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना, कुल्टा, चपला व नव्य समाज, चपला व नव्य समाज, तारा व सौतिया डा, तारा व सौतिया डाह, तारा व सौतिया डाह, गुलबहार, तिलस्मी शीश महल, गुलबहार, तिलस्मी शीश महल, गुलबहार, तिलस्मी शीश महल, तो आप जानते रहे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है त्रिवेणी लीलावती, त्रिवेणी तीन बेणी का समाहार, यानी प्रयागराज तीन नदियों का समाहित होता है, त्रिवेणी वहीं से लिखा लिया गया है, लीलावती भी एक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है, आदर्श सती कुसुम कुमारी लवंग लता
ये इम्पॉर्टेंट है, जिंदे की लाश भी आता है, जिंदे की लाश। और लखनऊ की कब्र आप जानते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अंगूठी का नगीना ये आता है, और इसमें गुलबहार भी आता है, तारा व सौतिया डा आप जानते रहे, कुलटा कुल धन अटा, कुलटा कुल का नाश करने वाली, कुलटा कुल का नाश करने वाला कुलंगार, ठीक है। तो आप जानते रहे तिलस्मी शीश महल ये भी आता है, इतने इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक क्वेश्चन इनकी ज़रूर आती है, श्री किशोरी लाल गोस्वामी और इनकी रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी भी माना है इंदुमती, है ना। तो आप जानते रहें श्री किशोरी लाल गोस्वामी, त्रिवेणी, लीलावती, आदर्शती, कुसुम कुमारी, लवंग लता, लखनऊ की कब्र, जिंदे की लाश, अंगूठी का नगीना, कुलटा, चपला व नब समाज, तारा व सौतिया डा, गुलबहार, तिलस्मी शीश महल। अब आइए आठवां पॉइंट है, इनका भी इम्पॉर्टेंट है, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। इनकी जो रचनाएं हैं आप जानते रहें, चंद्रकांता, इसके बाद आता है चंद्रकांता संतति, 24 भाग है इसके, दूसरा भाग आया था, चंद्रकांता संतति 24 भाग, चंद्रकांता संतति। आप जानते रहें नरेंद्र वीर वीरेंद्र मोहिनी, इनकी रचनाएं हैं नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर। नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी ये भी लिखे हैं, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, भूतनाथ ये अधूरा रह गया था, ये मर गए थे तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया, भूतनाथ। नरेंद्र वीर वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, कटोरा भर खून, कटोरा भर खून, गुप्त गोदना, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और आप जानते रहे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट आता है चंद्रकांता, ये आपका प्रथम भाग है चंद्रकांता संतति, 24 भागों में वर्णन किया गया। कुसुम नरेंद्र नरेंद्र मोहिनी भी आप जानते रहें, कुसुम कुमारी, भूतनाथ भी आता है दूरदर्शन पे, पहले धारावाहिक भूतनाथ आता था। तो चंद्रकांता की जो है ये रचना देवकी नंदन खत्री की रचना है, भूतनाथ है ना, भूतनाथ आप जानते रहें, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर, तो ये भी चंद्रकांता भी कहानी आता था, अय्यारी की कहानी है और अय्यारियों में लिखने वाले ये प्रथम कवि हैं देवकी नंदन खत्री, आप जानते रहें। तो अय्यारी का प्रभाव में लिखने वाले कवि हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता पहले कहानी आता था, ये क्रूर सिंह है ना, तो इसमें खलनायक की भूमिका निभाए थे, देवगढ़ और शिवगढ़ का जो टकरार था है ना, तो ये चंद्रकांता की कहानी है। कटोरा भर खून, गुप्त गोदना, गुप्त गोदना भी जानते रहें, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, कटोरा भर खून, गुप्त गोदना, ये चंद्रकांता की जो है। इसके बाद ये अय्यारी को लिखने वाले प्रथम कवि हैं। इसके बाद आते हैं हरे कृष्ण जौहर, नौवा कवि हैं हरे कृष्ण जौहर,
हरे कृष्ण जौहर का है, प्रथम उपन्यास इनका है कुसुमलता भयानक श्रम, कुसुमलता भयानक श्रम, नारी पीचास, कुसुमलता भयानक श्रम, नारी पीचास, मयंक मोहिनी, जादूगर, मयंक मोहिनी, जादूगर, निराला नकाबपोश, मयंक मोहिनी, जादूगर, निराला नकाबपोश, निराला नकाबपोश। तो आप जानते रहे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कुसुमलता इनकी पहली रचना है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कुसुमलता इनकी पहली रचना है, भयानक श्रम, नारी पीचास, मयंक मोहिनी भी आता है और जादूगर निराला नकाबपोश ही आता है, निराला नकाबपोश ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निराला नकाबपोश। हरे कृष्ण जौहर, कुसुमलता, भयानक श्रम, नारी पीचास, मयंक मोहिनी, जादूगर, निराला नकाबपोश। अगला पॉइंट है देवकीनंदन खत्री के बाद आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, कौन है दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्हीं के पुत्र देवकीनंदन खत्री के, दुर्गा प्रसाद खत्री। और दुर्गा प्रसाद खत्री जो है ये लिखे हैं भूतनाथ, भूतनाथ जो है वह अपूर्ण था, भूतनाथ क्या था अपूर्ण था। चंद्रकांता संतज, चंद्रकांता भूतनाथ जो है ये क्या है अपूर्ण है, भूतनाथ क्या है ये अपूर्ण है, लेकिन पूरा कौन किया दुर्गा प्रसाद खत्री, भूतनाथ, भूतनाथ को पूर्ण किया दुर्गा प्रसाद खत्री, है ना। और रोहतास मठ, प्रतिशोध इनकी और रचनाएं हैं, रोहतास मठ, प्रतिशोध, लाल पंजा, रोहतास मठ, प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्तमंडल, रक्तमंडल। इसके बाद आइए 11 आते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के तीन उपन्यास हैं कंकाल, तितली, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनकी अपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आइए रामलाल वर्मा, रामलाल वर्मा, रामलाल वर्मा का उपन्यास है पुतली का महल, पुतली का महल, चालाक चोर, पुतली का महल, चालाक चोर, जासूस के घर खून, जासूस के घर खून,
जासूसी कुत्ता, जासूसी कुत्ता। आप जानते रहे पुतली का महल, चालाक चोर, जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? दुर्गा प्रसाद खत्री, आप जानते हैं भूतनाथ को पूर्ण किया, भूतनाथ लिखे थे देवकी नंदन खत्री। रोहतास मठ, प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्तमंडल। रोहतास मठ ये बिहार की एक जगह का वर्णन किया गया है। रक्तमंडल ये आप जानते रहे। जयशंकर प्रसाद का है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण है। इरावती क्या है? अपूर्ण है। रामलाल वर्मा, पुतली का महल इनकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट आता है। चालाक चोर, जासूस के घर खून ये भी आता है। और आगे आप पढ़ेंगे जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गैमरी, वो माने जाते हैं। अय्यारी उपन्यासकार माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री। तो चलिए आगे चलते हैं। जासूसी उपन्यासकार के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तेरा है गोपाल राम, इनको कहते हैं गहमेरी। और आप जानते हैं कि ये जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जासूसी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जो रचना है हीरे का मोल, हीरे का मोल, हीरे का मोल आप जानते रहे। अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी। अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी। अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी। सरकटी लाश, सरकटी लाश। जासूस के घर भूल, जासूस के घर भूल। डाके पर डाका, डाके पर डाका। भोजपुर का ठग, भोजपुर का ठग। आप जानते रहे हीरे का मोल, अद्भुत लात, बेकसूर को फांसी, भोजपुर का ठग, भयंकर चोरी, खूनी कौन, जासूस चक्कर में, खूनी कौन। जासूस चक्कर में, तो ये आप जानते हैं गोपाल राम गहमरी की रचना है। आप हीरे का मोल ये पहली इनकी रचना है, आप जानते रहें हीरे का मोल। अद्भुत लाश आप जानते रहें, बेकसूर को फांसी ये भी आता है। जासूस से घर भूल, जासूस चक्कर में है ना, ये आप जानते रहें। डाके पर डाका, भोजपुर का ठग, भोजपुर का ठग ये आप जानते रहें। सरकटी लाश, खूनी कौन, खूनी कौन धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर, खूनी कौन ये आता था। इसमें जासूसी वाला काम था, जिसका खून हो जाता था, एक डिटेक्टर थे वो खोजते थे कौन खून किया है ना। तो खूनी कौन, जासूस चक्कर में, डाके पर डाका, भोजपुर का ठग, जासूस चक्कर में। तो आप जानते रहे गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए जो है अगला पॉइंट है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जो है इनके बचपन का नाम जो है धनपत राय था, पिता का नाम जो है अजायब राय था। और जो है ये उर्दू में उपन्यासों की रचना करते थे। और
काशी में ही इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रथम उपन्यास है, इन्होंने ये कहते थे कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ छिपी रहती हैं। ये मुंशी प्रेमचंद का कथन है। और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अच्छा, और उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है दया नारायण निगम ने रखा था उपन्यास सम्राट का। तो आप जानते रहे, इनकी रचना है सेवा सदन, इनकी रचना है, प्रथम रचना है सेवा सदन, फिर आता है निर्मला, फिर आता है रंगभूमि, फिर आता है कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, सेवाश्रम, सेवा सदन तो हो गया, प्रेमा, इनकी प्रथम रचना है प्रेमा, रूठी रानी, ऐतिहासिक इनका उपन्यास है रूठी रानी, प्रेमाश्रम, ये राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। रंगभूमि, गोदान, गबन, गबन इसके बाद आता है गोदान, फिर आता है गोदान, क्या है इनका? महाकाव्य है, यथार्थवादी इनका महाकाव्य है गोदान। और इसके बाद आता है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। सेवा सदन इनका जो प्रथम उपन्यास है आप लोग जानते रहे, अंतिम उपन्यास इनका मंगलसूत्र है, गोदान इनका महाकाव्य है वेरी इंपॉर्टेंट, गबन भी आप जानते रहे, और निर्मला अनमेल विवाह का वर्णन किया गया है सेवा सदन में, वेश्याओं के ऊपर इन्होंने चरित्रण किया है, है ना। और रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि भी वेश्या के ऊपर है, कर्मभूमि जो है ये दलित शोषितों के वर्ग के हरजन समस्या के विरुद्ध उठाया है इन्होंने आवाज़, है ना। प्रतिज्ञा, प्रेमा, कृष्णा या चंद्रहार, प्रेमाश्रम इनका राजनीतिक नाटक है, राजनीतिक उपन्यास है, रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास है, है ना, गबन, गोदान, गोदान जो है इनका महाकाव्य है और यथार्थवादी महाकाव्य होता है गोदान। और इसमें जो नायक है होरी, होरी के पुत्र हैं गोबर, इनकी पत्नी का नाम था धनिया, धनिया, और राय साहब वहाँ के जमींदार थे, ठीक है। तो कहानी है अंत में गो का दान करते करते गाय की लालसा में गोबर जो है अपना प्राण त्याग देता है, गाय का सुख नहीं भोग पाता, और लास्ट में जब मरने के बाद उनकी पत्नी गो का दान करती हैं, एक रुपये था उनके पास, है ना। पंडित दाता दीन थे, राय साहब थे, मेहता थे, मालती थी, ये सारे इनके पत्रकार, ये सारे जो है यहाँ इसमें पात्र हैं, गोबर, राय साहब, धनिया, है ना, है ना, दाता दीन, भोला, है ना, झुनिया, ये सारे जो है महाकाव्य हैं। और ये महाकाव्य जो है मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है, मंगलसूत्र क्या है? अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। तो गोदान आपका महाकाव्य है, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का तितली जो है ये अपूर्ण है, कंकाल तितली इरावती अपूर्ण है, ठीक है। तो वो आपका सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट का माने जाते हैं, है ना। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, पिता का नाम अजायब राय था, काशी में ही इनका जन्म हुआ था, है ना। और उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है दया नारायण निगम ने रखा था। तो प्रतिज्ञा, प्रेमा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, महाकाव्य, मंगलसूत्र, तो आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं, फिर 15 में आपके आते हैं शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है
जानते रहें देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। तो आप जानते रहें उपन्यास सम्राट, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूम, कर्मभूम, प्रतिज्ञा, प्रेमा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, महाकाव्य है मंगलसूत्र, शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। सोलह नंबर उपन्यास है। इसके बाद राधिका रमण प्रसाद सिंह राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है राम रहीम पुरुष और नारी। राम रहीम पुरुष और नारी, संस्कार, संस्कार, चुंबन और चाटा। चुंबन और चाटा, संस्कार, राम रहीम, पुरुष और नारी, तीन की रचनाएं हैं। प्रेम लहरी, टूटा हीरा, प्रेम लहरी, टूटा हीरा, माया मिली नराम। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है इसमें आपका राम रहीम बहुत आया है कई बार, है ना। प्रेम लहरी आया है, प्रेम लहरी किसने लिखा है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। माया मिली नराम, इसमें दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है? दो। पुरुष और नारी भी आता है, ये आप जानते रहें। इसके बाद 17 है राधिका रमण प्रसाद सिंह का सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का की रचनाएं हैं गोद, अंतिम, गोद अंतिम, आकांक्षा, नारी। तो सियाराम शरण गुप्त का, ये मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई हैं, गोद अंतिम, आकांक्षा, नारी, ये आपका चारों इम्पोर्टेंट है सियाराम शरण गुप्त का। तो आप लोग जानते रहिए राधिका रमण प्रसाद सिंह, राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुम्बन और चाटा, प्रेम लहरी, टूटा हीरा, माया मिली नराम। सियाराम शरण गुप्त का है गोद अंतिम, आकांक्षा, नारी। सियाराम शरण गुप्त के ये इम्पॉर्टेंट हैं उपन्यास। चलिए अगला चलते हैं, 18 नंबर पर प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनकी रचनाएं हैं विदा, विसर्जन, विदा, विसर्जन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वंदना, विप्तका, विनाश के बादल, वंदना, विप्तका,
विनाश के बादल, इसके बाद आते हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं अमृतलाल नागर, महाकाल बूंद और समुद्र, महाकाल बूंद और समुद्र, महाकाल खंजन नयन, खंजन नयन, मानस के हंस, मानस के हंस, महाकाल बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस के हंस, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, महाकाल बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस के हंस, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बिखरे तिनके अग्निगर्भा, बिखरे तिनके, बिखरे तिनके अग्निगर्भा, बिखरे तिनके अग्निगर्भा, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। तो आप जानते रहे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट आपके आते हैं इसमें, एक बार देख लीजिए, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा कई बार आया है कि विदा कौन लिखा है, विसर्जन, वंदना, विपथगा, विनाश के बादल भी आता है। अमृतलाल नागर बहुत इम्पॉर्टेंट कवि हैं, महाकाल इनकी प्रथम रचना है, बूंद और समुद्र आप जानते रहे, खंजन नयन, खंजन नयन, मानस के हंस, खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, सूरदास के जीवन पर आधारित है, और मानस के हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, आप जानते रहे, खंजन नयन, मानस के हंस सूरदास के जीवन पर आधारित है, और मानस के हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, सुहाग निपुर, सुहाग के निपुर, अमृत और विष, ये भी आप जानते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिखरे तिनके, बिखरे तिनके आप जानते रहें, अग्निगर्भा, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल आप जानते रहें। इसके बाद देख लीजिए प्रताप नारायण स्मिथ श्रीवास्तव अमृतलाल नागर, अगले पॉइंट हैं अगला पॉइंट है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर इनकी रचनाएं हैं निशिकांत, तट के बंधन, तट के बंधन, निशिकांत, तट के बंधन, इसके बाद आता है स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर, देखिए अर्धनारीश्वर जो है ये आपका उपन्यास है, और अर्धनारीश्वर काव्य कौन लिखा है, अर्धनारीश्वर काव्य लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, अर्धनारीश्वर काव्य कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन अर्धनारीश्वर उपन्यास कौन लिखा है, विष्णु प्रभाकर, सीमा रेखा इनकी एकांकी है।
निशिकांत इनकी प्रथम रचना है तट के बंधन, स्वप्नमयी कोई तो अर्धनारीश्वर। इसके बाद आता है किस हैं सूरकांत त्रिपाठी निराला। सूरकांत त्रिपाठी निराला, सूरकांत त्रिपाठी निराला आप जानते रहें, अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा इनकी उपन्यास है। अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा चोटी की पकड़ काले कारनामे बिल्ले सुर बकरिया आप जानते रहें, अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा ये इम्पोर्टेंट है। अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा चोटी की पकड़ काले कारनामे बिल्ले सुर बकरिया, फिर से आप देख लेंगे, विष्णु प्रभाकर निशिकांत तट के बंधन स्वप्नमयी कोई तो अर्धनारीश्वर। सूरकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है, अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा चोटी की पकड़ काले कारनामे बिल्ले सुर बकरिया। और उनकी काव्य क्या है, 1916 लिखी गई है, जूहू की कली, अनामिका, अपरा, अप्सरा, है ना, सरोज स्मृत, तुलसीदास, मेरे राम राम की शक्ति पूजा, ठीक है, बेला, नए पत्ते, साधना, चतुरी चमार इनकी कहानी है, शुक्ल की बीवी ये निराला, केचुआ एवं रबर छंद के कवि कहे जाते हैं निराला को, और छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर निशिकांत तट के बंधन स्वप्नमयी कोई तो अर्धनारीश्वर, सूरकांत त्रिपाठी निराला, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कन्यागत जीवन का अर्पण कर सकता मैं तेरा तर्पण। ते निराला सरोज स्मृति है ना, प्रथम शोक गीत कहा जाता है, और इन्हीं का उपन्यास है अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा चोटी की पकड़ काले कारनामे बिल्ले सुर बकरिया। और इस तरह जो है मैंने आपको इतने उपन्यास बताए, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे में दूसरा पार्ट बताएंगे, क्योंकि उपन्यास बड़ा है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिए, अच्छे से रचनाएं आप इसको याद कीजिए, और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगले पार्ट में आपको और नए लेखक मिलेंगे, नई रचनाएँ मिलेंगी। समय समाप्त होता है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, UPP में पेपर में जरूर आता है, इसको आप जरूर उपन्यास देखिए, उसको रचना याद कीजिए। समय समाप्त होता है, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।